बंदूक रख के चलाई और तीन बार फायर, तीन बार फायर किया। अगर आप जीवन में एक मंत्र पढ़ते हो तो आपका कोई बाल बांका कोई ताकत नहीं कर सकती है। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का मैं रोज लगभग, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो जीवन में, इस मंत्र की एक माला जरूर मैं रोज करता था। और उसी का चमत्कार कहें, गुरु जी का, गुरु ब्रह्म जो होता है वो जीवन में जो असर करता है, तो मृत्यु से भी मुझे ऊपर निकाला है। वो अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। जी जरूर जरूर। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग भी मुझे देखें वो गुरु पे विश्वास करें, गुरु वाणी पे विश्वास करें, और मन में ध्येय बनाएं कि कोई ताकत है। अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, जिसका भी आप नाम करते हैं, गोविंद नाम लेते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट आने वाला हो, अगर आप सच्चे मन से लेते तो आएगा नहीं। मेरी तो जान जाते जाते ही चली गई थी, पर इस नाम की वजह से, इस नाम के चमत्कार से, कीर्तन से बच गई है। एक सज्जन से हमारा व्यापारिक लेन देन था, मेडिकल स्टोर, जैसे मैंने कहा गुरु जी जुड़ने से पहले मैं दो तीन काम करता था, जिसमें से एक प्रॉपर्टी का काम भी था, ट्रांसपोर्ट काम भी करता था। तो प्रॉपर्टी के काम में एक हमारे पार्टनर हुआ करते थे, उनसे कुछ पैसे का लेन देन था। जब भी मैं पैसा उनसे मांगूँ तो टाल मटोल कर दें, देते हैं बाद में देते हैं, बाद में उनकी मनसा, मन में क्या परिवर्तन हुआ मैं नहीं जान पाता। पर अभी बीच में मुझे एक महीना पहले कुछ पैसे की ज़रूरत हुई, तो मुझे लगा शायद मैं उनसे मांगूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने उनसे फ़ोन पे कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो वो सज्जन फ़ोन पे ही आग बबूला हो गए। मैंने कहा आइए बैठ के बात करेंगे, आप उसमें आप निरर्थक बातों को मत लीजिए। तो फ़ोन मैंने रख दिया, मुझे लगा कि वो 10-15 मिनट में आएंगे और बैठ के बात करेंगे। कि वो सज्जन 10 मिनट बाद दुकान पे हमारे आते हैं और बोलते हैं तुम रोज़ पैसा मांगते हो, मुझसे रोज़ मांगते हो, मैं तुम्हें आज पैसा दे देता हूँ। और पास में अपने कट्टा रखे हुए थे और मेरे सीने में लगा करके उन्होंने फायर किया। के लिए ही लगा कि गोली चलती तो लग ही जाती, पर मैंने कहा कि कोई तो ताकत है, ऐसी अद्वितीय ताकत है, गुरु ब्रह्म, गुरु ईश्वर है, गुरु ही सब कुछ है, और उसने गोली चलने नहीं दी। मैं आज यहाँ साक्षात आपके सामने हूँ और ये गुरु की कि वो गोली में देखा कि चली नहीं। इस बीच उनके साथी जो एक और आए हुए थे तो वो बोले कि फिर से कट्टा लोड करो, चला नहीं, कैसे नहीं चला। मैं तो समझ गया कि चमत्कार ही हो गया है, जिनका मैं नाम अनवरत लेता हूँ वही साक्षात ढाल बन के आए हैं, वही जो मंत्र जो प्रतिदिन मैं जाप करता हूँ, वही मंत्र ढाल बन के आया है, गुरु कृपा के रूप में आया है। उसने दोबारा भी कट्टा लूट करके चलाया और फिर नहीं चला। तब मैं बिल्कुल साक्षात मेरे अश्रु मेरे बहने लगे। मैंने कहा धन्य धन्य प्रभु, मेरा तो जन्म चला ही गया था इस बार, अब बचा है अगर तो मैं फिर इसको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और मैं तीसरे फायर के जब उन्होंने किया नहीं चला, तो उनसे ताकत से जा करके लपट गया कि अब ये गोली न चला पाएँ। और फिर लगभग 5 मिनट तक हमारी उनसे गुत्थम गुत्थी हुई। भीड़ आता देख वो वहाँ से चले गए कहते हुए कि अगर तुम बच गए हो इस बार, दोबारा नहीं बचोगे। पर मैं कहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो भी कोई चला दे नहीं कर सकता है, तो गुरु जी की कृपा हो। गुरु जी का इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद कि परिवार वाले भी बोलते हैं कि अगर गुरु जी के धाम से नहीं जुड़े होते तो आज मैं एक कमाऊ पूत जो था पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, आज मैं नहीं रहता। वो कोई दुकान पर आए जी, उनने आपकी दुकान में आपके सीने पे बंदूक रख के चलाई और तीन बार फायर किए। तीनों बार में से एक बार भी फायर नहीं हुआ। माने उनके धाम का प्रताप माने, गुरुजी के नाम का प्रताप माने, गुरुजी से 1 साल से जुड़ा हो सच्चे मन से। जब से गुरुजी ने कहा था कहीं भटकना बंद करो, एक ही ध्येय है, सिर्फ गुरु नाम, सिर्फ गुरु कृपा और गुरुजी का स्मरण। उस टाइम मुझे साक्षात लगा कि गुरुजी ढाल बनकर, राधा रानी ढाल बनकर आई मेरे पास, कोई शब्द नहीं मेरे लिए, इसके लिए पूरा जीवन मेरा उनके लिए समर्पित है। मैं चाहूँगा कि एक मुझे यहाँ धाम में वास मिले। उसके बाद क्या जीवन रहा आपका परी, जब गोली उसके तुरंत बाद कैसा रहा, कैसा अनुभव, क्या महसूस हुआ आपको जब वो चला गया, भाग गया? उसके बाद जब वो चला गया तो बस पूरी पिक्चर जीवन की घूमने लगी चारों तरफ, सब कुछ क्या क्या अतीत घूमने लगा पूरा, किसी के साथ गलत नहीं किए थे ये घूमने लगा पूरा, गुरुजी की बातें, गुरुजी की कृपा, वृंदावन घूमने लगा कि अगर ये जीवन मिला है, पुनः है, दोबारा मिला है, मेरा जीवन तो ख़त्म ही हो गया था, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके परिवार को, लोगों को, समाज को गुरु कृपा से जुड़ना है और सच्चे मन से जुड़ना है, यहाँ वहाँ भटकाव से हटते हुए एक नाम में जुड़ना है, बस जीवन का ही लक्ष्य। वो जब
ये घटना करके गए, भाग के गए वो, तभी मुझे विश्वास था कि मेरा नाम जप चल रहा है और वो दोबारा ऐसी घटना कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो फिर भी गुरु जी की कृपा रहे और जाको रखे साइयाँ मार सके न कोई, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो बस समर्पित हूँ उनके चरणों में, धूल माथे पे लगाते हैं और बस उन्हीं की कृपा है, वो चाहे जितनी बार भी अब अनिष्ट हमारा चाहेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके ऊपर कृपा है गुरुदेव भगवान की उसका अहित कोई कर नहीं सकता। जब ये अनुभव आपके साथ हुए तो परिवार वालों के कैसा माहौल रहा होगा जब उनको पता चला होगा कि आपको, तो क्या घर पे जब जैसे आप गए तो क्या चर्चा रही, कैसे? परिवार वालों का तो रो के बुरा हाल था, रो रो के बुरा हाल था, और उनका एक ही कहना था कि जिनके आशीर्वाद से तुम आज बच गए हो, वरना तुम बचते नहीं, हमारा तो कुल का नाश ही हो जाता, बच्चे भी कुल दो दिन से काटो तो खून ऐसी हालत में थे, पर कहीं ना कहीं उनको था कि गुरुदेव की कृपा रही, आप बच गए हैं, आपका पुनर्जन्म हुआ है और ये धाम की कृपा रही है, सबको मतलब कि अनंत रूप से ये विश्वास पूर्ण रूप से है, इसे धाम की कृपा से ही मैं सही सलामत हूँ, उनके सामने हूँ आज, और मतलब कि गुरु जी के आशीर्वाद से पुनर्जन्म मिला है। जब ये सारा हुआ हुआ कार्य क्रिया तो आसपास बहुत सारे लोग रहे होंगे, सब ने आपसे चर्चा करी होगी, तुरंत तो खैर नहीं होगी, नहीं चलेगी, जब आप मेडिकल पर रहते होंगे, अपने व्यापार पे लोग मिलते होंगे, आते होंगे, जब आपसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आप अपने साथ क्या अनुभव शेयर करते हैं? जो मेरे से ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं उन सबको पता है कि मैं एक साल से धाम आ रहा हूँ, वृंदावन धाम आ रहा हूँ और गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबका कहना यही था, आधे तो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं जो साथ में गुरु जी के पास भी आ चुके हैं कि सिर्फ गुरु जी की कृपा है, ये गोली चली नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई, तुम एक मृत्यु जीवन मिला है, मृत्यु से बच के आए हुए हो, तो एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी उनके अंदर भी ऐसी भावना आई है कि गुरु जी की कृपा से बचे हो, और धाम के प्रति उनका विश्वास बहुत गहरा हुआ है, और कहा जाए तो अनंत विश्वास जागा है। आज जब आप आए, आपने गुरुदेव के एकांतिक दर्शन करे, तो वहाँ पर जब आपने साक्षात गुरुदेव को इतने करीब से देखा, इतने पास से देखा, तो उनसे जो दर्शन करने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव महसूस हो रहा है आपको? गुरुजी के दर्शन करने के लिए जब मैं गया, प्रथम बार एकांतिक दर्शन गुरुजी से हुए, मैं कल ही मन में ध्येय बना गया था गुरुजी के एकांतिक दर्शन के लिए टोकन मिल जाएगा, पर भीड़ बहुत होने की वजह से टोकन मिल नहीं पाया था, मन में बहुत मलाल था, पर एक तरह से मन ये भी कह रहा था कि गुरुजी चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना से गुरुजी बचाए हैं तो मुझे ज़रूर एकांतिक दर्शन देंगे गुरुजी, क्योंकि उन्हीं की कृपा रही कि मैं पुनर्जन्म मेरा हुआ है, कृपा उनकी पर बनी रहे। आप भी परिवार से जुड़े हैं, आपके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, आप बहुत अच्छे गुरुदेव सब जुड़े हुए हैं, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, जो माता पिता अपने बच्चों में, जो उनके बच्चे आपकी उम्र के होंगे, आपके परिवार, ऐसे लोगों के लिए आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं, ताकि आगे भी भविष्य में जो हमारी जनरेशन जिस स्थिति में है उनको सही मार्गदर्शन मिल सके? उन लोगों के लिए तो मैं इसमें देना चाहूँगा कि जो मेरी उम्र के नवयुवक हैं और जिनके माता पिता मेरे माता पिता की उम्र के हैं, कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनको सेवा भाव उनके लिए समर्पित करें, माता पिता को ही इष्ट देव गुरुदेव मान के उनकी भी सेवा करें, और उनके मन में जो भी भ्रांतियाँ हों, गलत फहमियाँ हों, यहाँ वहाँ भटक रहे हों, वो एक ध्येय लगा के चलें, एक ध्येय रखें, एक ईश्वर का नाम लें और एक गुरुदेव पे समर्पित हो जाएं, अपने माता पिता को ही गुरुदेव माने और उन्हीं को इष्ट मान के अच्छे काम पे लग जाएं और उनके काम जरूर पूरे होंगे, धाम से जुड़े हो। आपके भाव बहुत अच्छे हैं, जीवन में आपका जो अनुभव रहा है वो बहुत ही मतलब अद्वितीय है, गुरुदेव ने आपकी रक्षा की है, जीवन में आगे भी आपके मंगल बना रहे ऐसी हम कामना करते हैं।